हेलो एवरीवन, आई एम रोमी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट रोमी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए खास रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वफ़ल्स की रेसिपी। तो वफ़ल्स जो है वो हम आइसक्रीम के साथ खाते हैं, या फिर शुगर सिरप, या फिर हनी के साथ, या फिर क्रीम एंड फ्रूट्स के टॉपिंग के साथ खाते हैं। तो आज मैं आपको वफ़ल्स बनाना बताऊँगी घर पर, और वो भी विदाउट वफ़ल मशीन के। तो आज हम वफ़ल को आपे पैन में बना रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप ये रेसिपी अपने बच्चों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, कुकिंग टाइम बहुत ही कम है। तो प्लीज़ रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए किचन में मिलते हैं, वफ़ल्स बनाते हैं बहुत ही कम टाइम में, 15 मिनट्स के अंदर। वफ़ल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप रिफाइंड फ्लावर यानी मैदे का लिया है, 1 कप ही मैंने रूम टेम्परेचर में फुल क्रीम मिल्क लिया है। बॉईल करके इसे रूम टेम्परेचर में ला के फिर इस्तेमाल में लाएंगे। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 कप पाउडर शुगर, 4 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल, या फिर आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको मेल्टेड बटर लेना होगा, एंड हनी, ये मैं टॉपिंग में इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है, उसमें मैंने रिफाइंड फ्लावर ऐड किया 1 कप के करीब, एंड देन 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। देन हम मिल्क ऐड करेंगे, मिल्क हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि बैटर में लम्स ना बने। आप इसी सेम बैटर से पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने और जो बचा हुआ मिल्क था उसे डाला और एक रनी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाया है। तो देखिए मेरा बैटर रेडी। देन मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून के करीब। अब मैं इसमें पाउडर शुगर ऐड करूँगी, शुगर आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से मेल्ट करेंगे तो हमारा बैटर रेडी है अब वफ़ल्स बनाने के लिए। देन मैंने यहाँ पे एक आपे पैन लिया है, आपे पैन में हम ऑयल ग्रीस कुछ भी नहीं करेंगे, इसे एक बार हीट कर लेंगे लो फ्लेम पर, एंड बैटर ऐड करेंगे स्पून या फिर किसी भी लैडल की मदद से, एंड इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे आपे पैन पे। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही कुक करना है, हमने आपे पैन ग्रीस नहीं किया था पहले, एंड इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट्स के लिए पकाएंगे। तो आप देखेंगे वफ़ल्स ने किनारा छोड़ दिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे एक प्लेट लेंगे और उसमें उल्टा उलट देंगे ताकि वफ़ल्स ईजिली निकल पाए बाहर। तो यहाँ पे मैंने इसे पलट दिया है। अब आपे पैन को धीरे से हटा लेंगे, आपे पैन बहुत ही गर्म होगा तो प्लीज़ क्लोथ या फिर आप टोंग्स की हेल्प ले सकते हैं इसे हटाने के लिए। तो हमारा वफ़ल्स बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे मैंने जो 1 कप रिफाइंड फ्लावर लिया है उससे लगभग 4 से 5 वफ़ल्स आराम से बन जाएंगे। मेक श्योर आप जब वफ़ल्स बना रहे हो तो आपके पैन में इसे बहुत ही जल्दी जल्दी आपको स्प्रेड करना होगा, और बहुत ही पतला स्प्रेड करना होगा, तभी वफ़ल्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पे मैं इसे हनी से टॉपिंग दे रही हूँ, आप चाहें तो इसे आइसक्रीम के साथ या फिर क्रीम एंड फ्रूट्स के साथ भी खा सकते हैं। तो प्लीज़ रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।